यार। सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और हम जाने वाले हैं। सबसे पहले तो हम अपना एक्सरे करवाएंगे। ओके। और इस बच्चे को उसके लिए भी रिश्वत चाहिए अपनी। पूरा 1,000। ये रहा जी हमारे महाराजे का गड्डी। गड्डी में बैठ के हमें ले जाएंगे ये जी। Do you like my heels? No, go through my Welcome to Roy. आता हूँ मुकुट कम पालो दां। How going hospital look like? Eh. बाहर तो काफी ब्राइटनेस था मगर अंदर के बाला ज्यादा अंधेरा है। बताओ अकेले मैं ही थी हॉस्पिटल में जिसके पास मास्क नहीं है। अब मैं मास्क लेने जा रही हूँ। नहीं जा रहा हूँ। हम मास्क ही खरीदने जा रहे हैं। और पता है जब हम निकले थे तब तो बहुत धूप था बट देन अभी फिर से बारिश होने लगी है। हम एकदम हीरो हीरोइन बन के बाइक से निकले तो थे। बारिश हो गई है फाइनली। अब छतरी भी नहीं लाए हम जाएंगे कैसे। मास्क खरीद लिया है हमने। I got the pink one. मौसी ने भी पिंक वाला लिया है और इसका तो ऑलरेडी ब्लैक वाला है। हॉस्पिटल आने का यही प्रॉब्लम होता है। यहाँ से वहाँ जाते रहो बस और डॉक्टर का इंतजार करते रहो। लगता है मौसम थोड़ा साफ हो गया है। सो फाइनली चेक वगैरह सब कुछ हो गया है और अब हम हो गया एक्सरे करने के लिए वेटिंग रूम पर बैठे हैं। और ये लड़का हिंदी बहुत बोल रहे क्या बोल रहा बहुत ही मतलब इतना अच्छा हिंदी नहीं बोलता। ये हर बार ही मुझे करेक्शन करना पड़ता है। हाँ सुनो अपना चेहरा भी दिखा गई। साथ बोल के लिए साथ रुके बस। हमारा एक्सरे हो गया है। अभी हम एटीएम की ओर जा रहे हैं और मतलब नीले लगा दें। आप लोग भी देख लेना एक बार अरुणाचल में रोइंग में एटीएम कैसा रहता है। इतना क्राउड रहता है वहाँ। लेट्स सी आज क्राउड है या नहीं। आई डोंट नो आपने कितने जगह पे इस तरीके का बैंक देखा होगा। ये शायद कोरोना के समय में लगाया गया है। पहले ऐसा नहीं था। आई एम सो सरप्राइज कि आज जब मैं आई हूँ अपने मतलब मामा के लड़के के साथ और मासी के साथ तब कोई नहीं एटीएम में। अभी तक यहाँ खड़े होते होते मेरे भाई ने 21 सब्सक्राइबर बढ़ा दिए हैं। कि आप लोग भी ऐसे सपोर्ट करते हैं मुझे। हाँ शेयर करते हो कि नहीं। इसलिए हमको आज 1,000 का एटीएम खिलाना पड़ेगा। हाँ हम आपको एक एकदम सीरियस वाला सवाल पूछेगा। हाँ पूछो। क्या आपका टूथपेस्ट में नमक है? बकवास। तो ठीक है अगर इसका और एकदम ये तो उससे भयंकर वाला सवाल है। पूछो। कौवा क्यों काला है? क्या बकवास। ठीक है अगर इसका सवाल जवाब खत्म हो गया तो मैं बताती हूँ कि अभी हम लोग रुके थे एटीएम के पास ताकि हम कुछ पैसे निकाल सके। बट देन जब हम गए ये हमारी बदकिस्मती थी कि जब हम गए तभी मतलब जो वो थे बैंक के अधिकारी थे वो लोग पैसे डालने चले गए। ठीक है तो हमें वहाँ वेट करना पड़ा और कम से कम 20 से 30 मिनट वेट करने के बाद हम जा रहे हैं फिर अपना क्या बोलते हैं रिपोर्ट लेने के लिए जा रहे हैं। मेरा जो चेस्ट का एक्सरे हुआ था एंड आई होप कि एवरीथिंग इज परफेक्ट। हे लेट्स सी।
अभी मौसी हमें कुछ खिलाने जा रही है। सो मुंगा और क्या खाओगे तुम? That is my X-ray. And we really don't know what is that. Like what does it mean? अब कैसा? अभी लोग हम दुबई में हाँ, ना कहना? इके ही तो कहा? कोवा? हाँ। कैसा? Manners. हाँ मिल। इसका तू भी बहुत ज़्यादा तू भी कभी ना तू भी कभी है नहीं करना सच में इसका जब खाना जब आते समय ना ओके ओके तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि पानी को मैं ऐसे ना पी के ऐसे पियो है ठीक है मतलब अपना वो को दाब के इसके बाद ना जब यहाँ तो पानी का टेस्ट भी अलग हो गया है ऐसे पीने की वजह से जब जब मतलब जब कुछ खाता है मैंने मंगवाया था एक मोमो और एक चाउमीन इसके लिए और मैंने टुप्पा मंगवाया था मगर इस पागल ने चाउमीन बोल दिया मगर मैंने उसे चेंज कर दिया ना आई एम जस्ट वेटिंग मेरा टुप्पा कब आएगा आपका टुप्पा जब तक मेरा टुप्पा नहीं आ जाता तब तक मैं ये सूप नहीं देती ठीक है ना वो सूप पता मैं आती देखती तो लाते हैं Not that bad. सच में वैसे तो मैं मुंह पे मतलब हंस रही हूँ मगर मेरे सीने के अंदर कितना दर्द है मैं बता नहीं सकती ये जो छोटे भाई है वो आपको दिखाएंगे कि कैसे खाते हैं इंग्लिश की जब आप चबाते हैं इनका मतलब ये है कि जब आप चबाते हो तो आपके अपर लिप्स और जो लोअर लिप्स है वो ऐसे चिपके रहने चाहिए ठीक है मतलब अंदर का जो खाना जो चबा रहे हो वो दिखना नहीं चाहिए दैट इज व्हाट वी कॉल मैनर्स ये रहा मेरा टुकड़ा इतना तुमको बना देगा तो अरे सुबह एक बार खाऊंगी मतलब पूरे दिन में जो मॉर्निंग का जो लंच ब्रेकफास्ट और डिनर होता है बस ऐसा कि सुबह सुबह मैं दो नहीं खा सकती फिर दिन को दो नहीं खा सकती शाम को भी दो नहीं खा सकती वाओ लुक एट दिस से कहते हैं तो जैसे दिल्ली वालों के लिए छोले कुलचे और ये जो क्या बोलते हैं छोले भटूरे बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है मामा श्री हमारे ये हमारे मामा जी सबसे हैंडसम मामा जी और नहीं दुनो आ मैं तो मत दो लाइन लंदे हो हाय अकुम ही लगो वाओ दिस इज हिज वर्क तलवार वगैरह बनाते हैं उन्ना से आते हैं पूरा सीखते हैं इन बोलो आकुम किरकी उन्ना लंदे हैं इनका ही बेटा है ये This आसमान looks so good. ना आंकुर लांगा. इन्ना. तेरे इंगोल की कोड़ा. घर में आया ना मौसम ना. सो फाइनली हम एक अंकल के पास आ गए हैं जो पुजारी भी है और एक्सरे वगैरह भी देखते हैं तो यहाँ पे जो दर्द थे उन्होंने कहा है कि शायद चोट कभी लगी है मुझे आई डोंट रियली रिमेंबर बट हो सकता है बचपन में या कहीं अनजाने में कहीं लग गया होगा एंड ही सेड कि ठीक हो जाएगा नाउ लेट्स सी
लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके सो घर वापस आ गए हैं और वहाँ एक प्लास्टर लगाया उन्होंने जड़ी बूटी के साथ। लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं, क्योंकि मैं कम से कम एक दो हफ्ते से यही बहुत ज़्यादा सीवियर पेन यहाँ फेस कर रही हूँ।